नमस्ते जी। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं कानपुर से आया हूँ अच्छा, तो क्या और दिक्कत थी आपको? मुझे नाइटफॉल की दिक्कत थी, नाइटफॉल की दिक्कत थी? तो मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है, अच्छा। तो मैं यहाँ कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ सीखने आया हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तो मुझे कुछ आप व्यायाम के स्टेप बता दीजिए। मैं आपको 2 से 3 कसरत ही बताता हूँ। देखो, अपने प्राचीन पद्धति के व्यायाम हैं, शायद आप जानते भी हो, ये वर्तमान समय में राम मूर्ति दंड से प्रचलित है, इसको हिंदू दंड भी बोलते हैं। भाई क्या करना है, सबसे पहले आपको सांस भरना है। इस प्रकार सांस भर के धीरे धीरे भाई आगे जाना है, धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे, और धीरे धीरे ऐसे उठ जाना भाई, गर्दन ऐसी सीधी, फिर बैक वापिस इस प्रकार। ये हमारा हो गया एक दंड। इसको ऐसे सांस भरा स्लो स्लो, ऐसे भाई स्लो स्लो, है ना? तो इससे क्या होगा भाई, आपके जो पूरे हाथ की मसल्स है भाई, हाथ की पूरी मसल्स, शोल्डर, चेस्ट, आपके बाइसेप, साथ साथ आपका पेट, एब्डोमेन और आपकी थाइस, पूरे पे पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा भाई। जब आप सो ऐसे जाते हो ना आप, तो आपके ऊपर बॉडी पे, और जब आप ऐसे जाते हो तो आपके थाइस पे भी प्रभाव पड़ता है। आप करके देखो, अभी साथ साथ करके देखो भाई। एक तो ये हो गया, दूसरे भाई आपको लगाने हैं, ये वर्तमान समय में प्रचलित है सपाटे के नाम से, ऐसे है ना, भुजा आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई। इस प्रकार भी आप उसको लगा सकते हो। इस प्रकार भाई इनसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके शरीर में शक्ति बढ़ेगी, आपका वीर्य गाढ़ा होगा, जिससे आपकी धीरे धीरे सोपन दोष की समस्या ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ मेरे भाई आप अपना बलवर्धक भी ले सकते हो। ये है ठंडा प्रोडक्ट, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो ये क्या करेगा, आपके शरीर को ठंडा रखेगा। सोपन दोष अक्सर गर्मी की वजह से भी हो जाता है, शरीर में ज़्यादा गर्मी उठ जाती है, तो ये जब आप लोगे बलवर्धक तो शरीर में गर्मी रहेगी, उस शरीर में ठंडक रहेगी, तो जिससे आपको सोपन दोष भी नहीं होगा। साथ ही साथ में आपके वीर्य घड़ा करेगा, धातु को घड़ी करेगा, आपके शरीर में बल बढ़ाएगा। तो मेरे भाई मैं कहना चाहूँगा आप भी भाई इसका सेवन कर सकते हैं और भरपूर लाभ इसका उठा सकते हैं।